हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली दो वीडियो में फ़िलोसफ़र के बारे में पढ़ा, जो कि हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो हम उसी में अब नेक्स्ट और थर्ड और लास्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें उनके अनुसार कला का मूल्यांकन और कला को समाज में उच्च स्थान देने के जो कारण हैं उसके बारे में समझेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला का मूल्यांकन, मूल्यांकन मींस एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू टॉल्स्टॉय। इनके अनुसार कला के मूल्यांकन के तीन आधार हैं। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला के एवोल्यूशन के तीन आधार हैं। नंबर वन, सौंदर्यवादी। नंबर टू, यथार्थवादी। नंबर थ्री, ध्येयवादी। सौंदर्यवादी एस्थेटिक, यथार्थवादी रियलिस्टिक और ध्येयवादी गोलिस्ट। तो इसमें हम अब आगे डिस्क्राइब करेंगे। ध्येयवादी जो थे, इसमें कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि वो समाज में आवश्यक ध्येय को लेकर रचना करे, समय के अनुसार विषय वस्तु को लेके चले। इट मींस इसमें कलाकार से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो सोसाइटी में एक आवश्यक ध्येय को लेकर रचना करे, एक मोटिव अपना बना के कंपोज करे। मतलब एक ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी एक कुछ भी रचना कर दी, एक आवश्यक, एक जो ज़रूरी है उस ध्येय को लेकर रचना करे, कंपोज करे अपनी ड्राइंग को। समय के अनुसार विषय वस्तु को लेके चले, यानी जो जिस टाइम जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है उस चीज़ को लेके चलना चाहिए। जैसे आज के टाइम में जिस तरह की ड्राइंग की ज़रूरत है, जिस तरह की ड्राइंग चल रही है, अगर आप वो नहीं बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। अगर आप अपना जो आपका एक आपकी एक सिग्नेचर ड्राइंग है, समझ लीजिए जो आपका एक एक आपकी एक अपनी अलग शैली है, उस पर अगर आप बना रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और नई चीज़ों को, जो ड्राइंग में नया कुछ आजकल बनाते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। समय के अनुसार विषय वस्तु को, विषय वस्तु भी टाइम के अकॉर्डिंग लेके चलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सौंदर्यवादी। इस सिद्धांत में कला, कला के लिए का ध्येय रहता है। इसमें सौंदर्य है, निष्ठा है, इसके अनुसार श्रेष्ठ कलाकृति में नवीनता हो और सौंदर्य हो। इट मींस इस सिद्धांत में आर्ट फॉर आर्ट का ध्येय रहता है, कला के लिए कला का ध्येय रहता है। इसमें सौंदर्य निष्ठा है, यानी ब्यूटी है, लॉयल्टी है, और इनके अनुसार श्रेष्ठ कलाकृति में नवीनता हो, यानी बेस्ट आर्ट वर्क जो है उसमें, जो आपको बेस्ट आर्ट वर्क है उसमें कुछ नयापन हो, नवीनता हो, वही पुराना ना हो, और सौंदर्य हो और ब्यूटी तो हो ही। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी यथार्थवादी। यह दो चीज़ों पर बल देता है, वास्तविकता और कलाकार की सत्यनिष्ठा। यह वास्तविकता के निकट है। यथार्थवादी जो होता है, यह दो चीज़ों पर बल देता है, मतलब उन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। एक तो वास्तविकता यानी रियलिटी, और कलाकार की सत्यनिष्ठा यानी ट्रू लॉयल्टी। यह वास्तविकता के निकट है, यह है जो रियलिटी होती है उसके काफ़ी क्लोज है। यथार्थवादी यानी कि जो यथार्थ में, यानी कि जो इस टाइम में जी रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका कला को समाज में उच्च स्थान देने के कारण, देने का कारण। इट मींस कला को समाज में, सोसाइटी में हाई प्लेस देने का कारण, रीज़न, जो कला है उसे समाज में उच्च स्थान यानी अच्छा, अच्छी जगह देने का, हाई प्लेस देने का रीज़न। इसमें देखेंगे
भाषा के समान कला भी आदान प्रदान का साधन है, इसलिए वह प्रगति का माध्यम भी है। इट मीन्स लैंग्वेज की ही तरह कला भी आदान प्रदान का साधन है, मतलब गिव एंड टेक का रिसोर्स है, मतलब किसी को हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, इसलिए वह प्रगति का माध्यम भी है, इसलिए वह प्रोग्रेस का भी माध्यम है, मीडियम है। कला द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कला द्वारा मानव की अनुभूतियों का विकास किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए होता है। कला द्वारा मानव की अनुभूतियों मतलब सेंसेशन का विकास किया जाता है, यानी सेंसेशन का डेवलपमेंट किया जाता है। ड्राइंग के द्वारा मनुष्य की सेंसेशन डेवलपमेंट किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए होता है, यानी मैन वेलफेयर के लिए होता है, मानव के लिए अच्छा होता है। टॉल्स्टॉय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टॉल्स्टॉय, कला के द्वारा मानव दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। कला के द्वारा मानव का दृष्टिकोण यानी अप्रोच व्यापक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कला में सत्य, शिवम, सुंदरम को वे आवश्यक मानते हैं। ड्राइंग में वे सत्य यानी ट्रू, शिव यानी गॉड, गॉड यानी नेचर, और सुंदरम यानी ब्यूटी को वे आवश्यक मानते हैं, यानी नेसेसरी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें टॉल्स्टॉय केवल यथार्थवादी कला को उपयुक्त मानते हैं। टॉल्स्टॉय केवल रियलिस्टिक ड्राइंग को सुटेबल मानते हैं, रियलिस्टिक यानी जो रियल है, जो सच है, उसे सुटेबल मानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जो रियलिस्टिक ड्राइंग है, इसके द्वारा जीवन को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, मतलब उसमें अगर उपयोगी चीज़ों को लाया जा सके, या फिर यथार्थ जो अब है यथार्थ में, यानी इस टाइम जो है उसे लाके ड्राइंग में जीवन को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, टॉल्स्टॉय का कला सिद्धांत संप्रेषण का सिद्धांत कहलाता है। ये कला सिद्धांतों में श्रेष्ठ सिद्धांत है, किंतु कुछ लोग इसे एकांगी सिद्धांत मानते हैं। जो टॉल्स्टॉय का कला सिद्धांत है, यानी आर्ट थ्योरी जो उनकी है, वो संप्रेषण का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इसका सिद्धांत है। ये कला सिद्धांतों में श्रेष्ठ सिद्धांत है, यानी जो ये कला के जो प्रिंसिपल हैं उसमें बेस्ट है, किंतु कुछ लोग इसे एकांगी सिद्धांत मानते हैं, यानी वन साइडेड थ्योरी भी मानते हैं। ये कला सिद्धांतों में बेस्ट है, बेस्ट प्रिंसिपल है, लेकिन कुछ लोग इसे एकांगी सिद्धांत मानते हैं, यानी एक तरफा वन साइडेड थ्योरी मानते हैं, कि ये तो किसी एक ने ये बात कही है और उसी की थ्योरी है, ये सब लोग नहीं मानते हैं। तो अब आपका टॉल्स्टॉय जो फिलोसोफर का ये टॉपिक है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए फिलोसोफर के बारे में समझेंगे। ओके।